वाराणसी शहर, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से उल्लेख मिलते हैं, जिसमें इस शहर को अति प्राचीन और सबसे पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार वाराणसी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना जाता है। इस शहर के बारे में एक प्रसिद्ध अमरीकी लेखक ने कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है। वाराणसी शहर के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब रोशनी की सबसे पहली किरण यहीं पर पड़ी थी। लंबे काल से वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, सुरंधन, ब्रह्मवर्त, सुदर्शन, रम्य एवं काशी नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा बताई गई है, जिसमें भगवान शिव ने एक श्लोक के जरिए वाराणसी का वर्णन किया है। ये शहर हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और साथ ही साथ बौद्ध एवं जैन धर्मों में भी इसे पवित्र माना गया है। ये शहर संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से जुड़े कई पौराणिक मान्यताएं और आश्चर्यजनक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। ये शहर हर मायने में सबसे पवित्र पूजनीय स्थल है। वाराणसी का सबसे पुराना उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत पूर्व के किसी साहित्य में किसी भी तीर्थ आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आज के जो तीर्थ स्थल हम देख रहे हैं वे सब के सब तब अधिकतर वन प्रदेश में थे और मनुष्यों से रहित थे। कहीं कहीं आदिवासियों का वास रहा होगा। कालांतर में तीर्थों के बारे में कही गई कथाएं अस्तित्व में आई और तीर्थ बढ़ते गए, जिसके आसपास नगर और शहर भी बसे। वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और असी के संगम पर पड़ा। भारत की धार्मिक राजधानी की पवित्र यात्रा इस शहर की संस्कृति का, गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से एक अटूट और अहम रिश्ता है। कहा जाता है कि ये शहर किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्रित कर दें तो उस संग्रह से भी दुगना प्राचीन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाराणसी शहर भगवान शिव जी और देवी पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सबसे आखिर तक यहाँ जिंदा रहेगा उसे जरूर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ आपको असंख्य संख्याओं में मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो शैव और वैष्णव धर्म को समर्पित है। ये दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के रूप है जो सद्भाव से यहाँ मौजूद है। यह जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यहीं पर हुआ था। यहाँ लगभग हर एक चौराहे पर एक मंदिर तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसे छोटे मंदिर दैनिक स्थानीय अर्चना के लिए सहायक होते हैं। इनके साथ ही यहाँ ढेरों बड़े मंदिर है जो वाराणसी के इतिहास में समय समय पर बनवाए गए हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव, दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकटा देवी मंदिर व विशालाक्षी मंदिर प्रमुख है। कहा जाता है कि भगवान शिव जी काशी के परमात्मा है, इसीलिए इसी वजह से अन्य ग्रह भी अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते जब तक शिव जी का आदेश ना हो। ऐसा कहा जाता है कि शनि देवता जब भगवान शिव की खोज में काशी आए थे तब वे उनके मंदिर में लगभग 7.5 सालों तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। आप जब भी कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, मंदिर के बाहर ही आपको शनि देव जी का मंदिर दिख जाएगा। ये शहर आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ आयुर्वेद और योग के प्राचीन समग्र चिकित्सक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। वाराणसी धार्मिक शहर होने के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र है। व्यापार के संबंध में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता से परे शहर को प्राचीन काल से ही वाणिज्य और व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मुख्यतः सोने और चांदी के किए हुए काम और बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है। वाराणसी क्षेत्र में कई गौरवशाली प्रतिभाओं ने जन्म लिया, जिसमें कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे, जिनमें वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, तैलंगी स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था
और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यही निकट सारनाथ में दिया था। वाराणसी के अश्वमेघ घाट में एक अजीबोगरीब रिवाज होता है, जिसमें हर साल बारिश के मौसम में मेंढकों की शादी करवाई जाती है। यहाँ के पंडित मेंढकों की शादी के सारे अनुष्ठानों को पूरा कर मेंढकों को नदी में छोड़ देते हैं।